तो और भाई लोग क्या हालचाल इस वीडियो में करते हैं चैप्टर नंबर सिक्स हमारी क्लासिक बुक हनी सकल का जिसका नाम है हु एम आई तो हु एम आई का मतलब क्या होता है कौन हूँ मैं? सो so इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम सब एक दूसरे से अलग हैं और अलग अलग लोगों की स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे तो शुरुआत करते हैं राधा के साथ तो इनका कहना है कि उनकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है पेड़ चढ़ना तो उन्हें पेड़ चढ़ना बहुत पसंद आता है तो उनका कहना है कि उनके घर के बाहर ना एक पेड़ है जो कि है मैंगो का पेड़ जो उनको चढ़ना उसके ऊपर बहुत ही पसंद है उसकी उनका कहना है राधा का कि उसकी जो टहनियाँ हैं वो बहुत ही फैली हुई हैं स्प्रेड आउट हैं जिससे एक बहुत सिंपल हो जाते हैं उनके लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ना और वो कम्फर्टेबली मतलब बड़े ही आराम से जो दो टहनियाँ हैं उनके बीच में वो बैठ सकती हैं तो ये हैं राधा और ये हम इनकी कहने को मतलब इनकी जो स्टोरी है इनके बारे में पढ़ रहे हैं इनके क्या विचार हैं सो so, उनकी जो मदर हैं किनकी राधा की उनका कहना है कि लड़कियों के लिए पेड़ चढ़ना नॉट नॉट इज सेंसिबल जिसका मतलब है कि लड़कियों को पेड़ नहीं चढ़ना चाहिए कोई तुक नहीं बनती उसकी पर एक दिन क्या हुआ एक आफ्टरनून मतलब एक दोपहर जो थे राधा की जो मम्मी थी वो भी राधा के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ गई और वो फिर वहां पेड़ के ऊपर चढ़ के बातें करने लग गए और रॉ मैंगोज खाने लग गए तो उनको मतलब बहुत ही पसंद आया होएगा राधा ने भी अपने मम्मा को कन्विंस किया होगा कि वो भी उनके साथ पेड़ पे चढ़ जाएं और अंत में रा, राधा जो है उनका कहना है व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री मतलब जब वो पेड़ के ऊपर होते हैं आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड कि उनको ऐसा फीलिंग आती है कि वो रूल कर सकते हैं वर्ल्ड पे मतलब उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है सो so दूसरे हमारे पास नासिर तो जो नासिर हैं वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे मतलब, थे, मतलब वेन आई ग्रो अप वो क्या चाहते हैं वो एक सीड कलेक्टर बनना चाहते हैं मतलब जब वो बड़े होंगे वो बड़े होके एक सीड कलेक्टर बनना चाहते हैं मतलब जो बीज होते हैं ना उनको कलेक्ट करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं उनका कहना है कि उनके पास एक कॉटन फील्ड्स हैं कॉटन फील्ड्स मतलब जहाँ पे वो कॉटन को ग्रो करते हैं उनके विलेज में और हर साल जो राधा सॉरी नासिर के जो फादर हैं उनके जो पापा हैं वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं किस चीज पे बाइंग न्यू सीड्स पे मतलब नए जो बीज हैं कॉटन के उनको खरीदने में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो जो नासिर के जो ग्रैंड फादर हैं मतलब उनके जो दादाजी हैं उनका कहना है कि बोई कई साल पहले मतलब मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स मतलब कई साल पहले वो जो कॉटन ग्रो किया करते थे उनके जो बीज थे वो खुद कलेक्ट कर लिया करते थे और उन्हीं बीज से वो जो अगले साल जो न्यू प्लांट्स ग्रो करने होते हैं वो कर पाते थे पर आज ये सिस्टम नहीं काम करता तो नासिर जो हैं वो बड़े होके इसलिए सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है कि कुछ साल पहले वो कलेक्ट करके ग्रो कर पाते थे पर अब नहीं कर पाते हैं सो ये भी जानना चाहते हैं नासिर वो कहते हैं आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो सीड्स हैं जो बीज हैं उनको कैसे बचा के रखा जा सकता है ताकि उन्हें अगले साल भी यूज़ कर सकें और पैसे जो हैं हर साल ना यूज़ करना पड़े तो ये थी स्टोरी नासिर की अब आते हैं रोहित तो रोहित का कहना है इफ आई हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अगर उनके पास खूब सारा पैसा होता आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल वो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं दुनिया को देखना चाहते हैं और वो ट्रैवल करना चाहते हैं मतलब बहुत ज्यादा सफर करना चाहते हैं आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड सो उनका जो शौक है वो है न्यूजीलैंड जो देश है ऑस्ट्रेलिया के साथ में छोटा सा देश है उसका नाम है न्यूजीलैंड सो so, वो वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ के पहाड़ देखना चाहते हैं तो उन्हें न्यूजीलैंड के बारे में कहाँ से पता लगा उन्होंने उसकी एक फ़ोटो देखी थी एक मैगजीन में और उन्हें वो फोटो बहुत पसंद आई उनका ये भी सपना है कि वो एक दिन जो एमेज़ोन नदी है ब्राज़ील देश में और वो बहुत ही लंबी नदी है सो so वो उसके अंदर भी सेल करना चाहते हैं मतलब उसके अंदर भी बोट लेके अपना उस नदी को कवर करना चाहते हैं इन साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है और एमेजोन रिवर वहाँ पे एक नदी है और वो अपनी राफ्ट में मतलब अपनी कश्ती में वो उस नदी को ट्रेवल करना चाहते हैं एंड डाइव डाउन टू सी कोरल जो वहां पे कोरल हैं वहां पे वो डाइव करना चाहते हैं मतलब पानी के अंदर तैर के वो कोरल जो है उसे देखना चाहते हैं कोरल आप देख रहे हो ना ये नीचे स्क्रीन पे तो यही कोरल होते हैं आई शुड आई सपोज आई शुड गो टू द कोन 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 आर्क टेम्पल इन ओडिशा सो उड़ीसा में टेम्पल है कोन आर्क टेम्पल वो वहां पर भी जाके देखना चाहते हैं तो इनके कई सपने हैं जैसे न्यूजीलैंड हो गया फिर लक्ष्मदीप आईलैंड फिर एमेजोन रिवर फिर ये कोन आर्क टेम्पल ओरिसा में और वहाँ पे क्या कहते हैं इसके अलावा एक ओल्ड सिटी इन बीजिंग सो जो चाइना देश है उसकी जो कैपिटल बीजिंग है वो उस सिटी को भी देखना चाहते हैं और हाँ यही नहीं साथ में जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के वहाँ पे भी देखना चाहते हैं बड़े होके ये वहाँ पे जाना चाहते हैं बट वॉट आई एक्चुअली एंजॉय इज सी नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स तो ये जो रोहित हैं ये कहते हैं इनको बाहर नेचर में जाना ज्यादा पसंद है रादर देन ओल्ड बिल्डिंग या ओल्ड मकान को देखना तो 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 ये थी स्टोरी रोहित की। अब तो आते हैं हैं, तो जो है, उनका कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है किस चीज से गुस्सा आता है जब लोग उनका विश्वास नहीं करते वेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ मतलब जब वो सच बोल रहे हैं और लोग उनका ना विश्वास करें तो ये जो सर्वजीत हैं इनको गुस्सा आता है अब वो उदाहरण देते मतलब एक एग्ज़ाम्पल से हमें बताते हैं कि एक बार क्या हुआ उन्होंने अपने टीचर जो थे जो उनके टीचर थे उनको उन्होंने बताया कि वो अपना होमवर्क नहीं कर पाए मतलब जो उन्हें होमवर्क दिया हुएगा उनके टीचर ने वो नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए क्योंकि जो रवि था रवि ने उनकी जो बुक है किसकी बुक है सरबजीत की जो जब रवि ने सरबजीत की बुक, बुक बोरो कर ली उधार पर ले ली और बाद में लुटाना भूल गए तो इसलिए वो होमवर्क नहीं कर पाए तो मतलब उनके टीचर ने विश्वास नहीं किया दूसरा उदाहरण देते हैं जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया क्या बताया दैट आई वॉजन इट वॉजन मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट कि वो uh, जो सरबजीत है वो कहते हैं कि मैंने नहीं मेरे छोटे भाई ने लड़ाई स्टार्ट की पर उनके पेरेंट्स को विश्वास नहीं करते तो उन्हें गुस्सा आता है तीसरा उदाहरण देते हैं कि जब उनके जो टीचर हैं वो कहते हैं कि आई मतलब सरबजीत का कहना है और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ हैड बैड मार्क्स अगर सरबजीत के बैड मार्क्स आते हैं और उनके टीचर्स को वो कहते हैं कि मैंने सच्ची में पढ़ा था पर फिर भी बैड मार्क्स आए तो उनके टीचर विश्वास नहीं करते वो सारे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ जबकि वो सच बोल रहे होते हैं द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स में जब उनके शक्ल पे जो लुक आती है कि वो सोचते हैं कि सरभ झूठ बोल रहा है तो उन्हें इस बात से गुस्सा आता है वो कहते हैं कभी कभी मैं अपने शूज की तरफ मतलब मैं नीचे देखता हूँ अपने शूज की तरफ अपने जो बूट है उनकी ऊपर देखता हूँ और दस तक गिनता हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ताकि दूसरों को ऐसा ना लगे कि आई एम एंग्री ताकि दूसरे फिर ऐसा ना सोचे कि वो गुस्सा है सो ये थी कुछ स्टोरीज अब इनके साथ में हमारे पास एक और स्टोरी है वो भी देखते हैं जिनका नाम है डोलमा सो so, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ आई अपोलोजाइज तो बाय द वे इनका कहना है कि जब ये बड़ी होएंगी ये बनना चाहती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो so, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं आपको बेस्ट ऑफ लक मैं आपको वोट डालूंगा बिल्कुल और लोग इनके ऊपर हंसते थे पर मैं हंस नहीं रहा हूँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर कोई कोई भी बन सकता है एनीवेज तो कंटिन्यू करते हैं तो इनका कहना है कि लोग इनके ऊपर हंसते थे जब ये ये कहती हैं कि मैं बड़े होके प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ देश की प्राइम मिनिस्टर बन बनना चाहती हूँ पर इनका कहना है कि आई एम श्योर दैट आई विल डू इट पर इनका कह ये मानना है कि ये बिल्कुल कर सकती हैं और मैं इस बात को अप्रिशिएट भी करता हूँ बिल्कुल बन सकती हैं बस हार्डवर्क की लोड होती है <laughs> तो चैप्टर पे स्टे करते हैं तो ये कहती हैं एवरी वन इन माई क्लास मतलब हर कोई इनकी क्लास में वैन कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी को कोई भी इशू आता है वो इनसे पूछती हैं इनसे क्या कहते हैं कंसल्ट करती हैं इनसे मतलब क्या कहते हैं एडवाइस मांगती हैं और कई बार उनके जो टीचर्स हैं कई बार क्या हर बार ही वो उनके ऊपर हमेशा ट्रस्ट करते हैं मतलब उनका विश्वास इनके ऊपर है किसके ऊपर डोलमा के ऊपर सो वेन समथिंग नीड्स टू be डन इन स्कूल सो जब भी स्कूल में कुछ करना होता है टीचर्स का इनके ऊपर पूरा फेथ है मतलब पूरा विश्वास है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन ये हर किसी के लिए जो चीज़ें हैं वो बेटर करना चाहती हैं मतलब सबका भला करना चाहती हैं और इनका कहना है want us टू हैव गुड hospitals ये कहती हैं इंडिया जो देश है उसके अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स हों अच्छी सड़कें हों और अच्छे स्कूल हों आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट तो इस लाइन का मतलब है कि ये चाहती हैं कि इंडिया के अंदर कई साइंटिस्ट हों जो रिसर्च करते हैं और क्योर्स ढूंढते हैं क्योर का मतलब होता है इलाज इलाज किस चीज़ का डिजीजे का मतलब अलग अलग बीमारियों का जो इलाज ढूंढते हैं डिस्कवर करते हैं वो होते हैं साइंटिस्ट और साइंटिस्ट ऐसे भी जो सेंड करेंगे एक स्पेसशिप मतलब जैसे इलॉन मस्क है आपको पता होगा वो रॉकेट भेजता है सो so, इंडिया में भी ऐसे साइंटिस्ट हों जो मार्स में रॉकेट भेजें तो so, अगर डोलमा जी ये वीडियो देख रहे हैं आप अपनी पार्टी बनाइए वोट मैं दूंगा सो so, अगला है हमारे पास पीटर सो so, ये पीटर हैं भाई इनका क्या कहना है वो भी पढ़ते हैं सो so, इनका कहना है उनका जो फेवरेट दिन है वो है सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने का जो सेकेंड संडे होता है दूसरा संडे होता है ये उनका फेवरेट है क्यों फेवरेट है इनका कहना है इस दिन उनका सारा परिवार हर बार देख जाने आ, मतलब जाता है कहाँ जाता है सिनेमा हॉल मूवी देखने के लिए सो so, इनका इसलिए ये दिन फेवरेट होता है इनका कहना है उनके जो फादर हैं वो हमेशा टिकट्स जो हैं मतलब मूवी की जो टिकट होती है वो एडवांस में मतलब पहले ही खरीद के रख लेते हैं एंड ऑल ऑफ अस उनके जितना भी परिवार है जैसे उनके दादी जी हैं उनके पेरेंट्स हो गए उनके दो जो भाई हैं और वो खुद वो सारे चलते हैं किसके साथ बस के साथ चलते हैं मतलब बस के अंदर साथ में थोड़ी चलेंगे मतलब बस के अंदर बैठ के जाते हैं मूवी देखने के लिए वो कहते हैं जब मूवी का इंटरवल आता है जो मूवी के अंदर इंटरमिशन कहते हैं जिसे तो उनके जो फादर हैं वो उनको हमेशा पीनट्स खरीद के देते हैं मतलब जो मूंगफली होती है वो साथ में मूंगफली भी खाते हैं और उन्हें वहाँ क्या के कहते हैं बड़ा मज़ा आता है डार्कनेस में मतलब अंधेरे में मूवी देखना और साथ में मूंगफली भी खाने में मज़ा आता है कहते हैं जब मूवी खत्म हो जाती है तो वो हमेशा रुकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए एवरी वन इज इन अ गुड मूड हर कोई अच्छे मूड में होता है अच्छे मतलब क्या कहते हैं खुश होता है सारा सारे खुश होते हैं एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली और उन्हें बहुत ही लकी फील होता है मतलब बहुत ही क्या कहते हैं ब्लेस्ड फील होता है कि वो एक बहुत ही खुश परिवार के हैं सो so, अगर आपको भी इन सब की स्टोरीज पसंद आई सो so, आप प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और अगर आपको ये बहुत ही पसंद आई तो यार सब्सक्राइब ठोक दो सो so, इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको हमारे चैप्टर नंबर सेवन में सो so, आपकी स्क्रीन पर वीडियो हाजिर है कर दीजिए क्लिक और हम सारे मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट चैप्टर में सो थैंक यू भाई लोग वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो and see you in our next video. Bye bye.